हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था तो so, इस क्वेश्चन पेपर के 100 एम की क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जा के देख सकते हैं एंड uh, इस uh, क्वेश्चन पेपर की जो पी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से वन हंड्रेड वन क्वेश्चन से तो पहला क्वेश्चन है विथ स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोट रिमोक्साजोल कोट रिमोक्साजोल ड्रग के लिए ट्रू स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है सो कोट रिमोक्साजोल जो है वो ट्राई मिथोप्रीमेट सल्फा मिथोक्साजोल का फिक्स डोज कम्बीशन होता है तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है

नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर एन टी सी पी रेजिमेंट फॉर मल्टी ड्रग रजिस्टेंस ट्यूबर क्लॉसिस तो आर एन टी सी पी रेजिमेंट जो कि मल्टी ड्रग रजिस्टेंट ट्यूबर क्लॉसिस के लिए होता है उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है तो so, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रीटमेंट ऑफ एम डी आर टी वी कंसिस्ट ऑफ फोर ड्रग्स इंटेंसिव फेज लास्टिंग सिक्स टू नाइन मंथ्स सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें छः ड्रग्स होते हैं छः से नौ महीने के लिए जो कि दिया हुए सेकेंड स्टेटमेंट में दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एम डी आर टी वी कंसिस्ट ऑफ सिक्स ड्रग्स इंटेंसिव फेज लास्टिंग सिक्स टू नाइन मंथ्स सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रीटमेंट ऑफ एम डी आर टी वी कंसिस्ट ऑफ फोर ड्रग्स कंटिन्यूएशन लास्टिंग सिक्स टू नाइन मंथ्स सो दिस इज अगेन द सेम स्टेटमेंट ये भी आपकी चार ड्रग के लिए नहीं होती है मीन्स ये होती चार ड्रग्स के लिए लेकिन ये छः से नौ मंथ तक लास्ट नहीं करती है इट विल लास्ट फॉर एटीन मंथ्स सो इसमें स्टेटमेंट टू एंड फोर जो है वो इसमें करेक्ट रहेगा सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स रिगार्डिंग अमाइनोग्लाइकोसाइट्स अमाइनोग्लाइकोसाइट्स के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है फॉल्स स्टेटमेंट सो आर बैक्टीरियोस्टैटिक, सो ये बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट दे आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम ग्राम नेगेटिव बेसिलाई सो ये आपके एक्टिव रहते हैं प्राइमरी प्राइमरली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई सो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है देन दे डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं जबकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं सो so ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड दे आर इन्हीबिटर्स ऑफ प्रोटीन सेंथेसिस दीज आर यस दीज आर द इनिबेटर्स ऑफ प्रोटीन सेंथेसिस सो इसमें स्टेटमेंट टू एंड फोर जो है वो करेक्ट है इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी सो फॉल्स स्टेटमेंट आपकी आ गई स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोक्सा पेरिनिज सो इनोक्सा पेरिन क्या है तो so ये एक लॉ मोलिकुलर वेट ही पेरिन को इनोक्सा पेरिन कहा जाता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द डायूरेटिक ड्रग विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे डायूरेटिक ड्रग्स दिए गए हैं एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से इसको मैच करना है सो so इसमें फर्स्ट ड्रग है आपका फिरोसेमाइड तो फिरोसेमाइड का जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो रहता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करना सो ये आ जाएगा एस देन नेक्स्ट है क्लोरथाइजाइड क्लोरथायासाइड जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर का इनहिबिटर है इट इज़ अ इनहिबिटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर देन नेक्स्ट है आपका एसेटाजोलामाइड ये आपका एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है एंड फोर्थ है आपका स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन जो कि आपका एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट है सो so इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एस आर पी एंड क्यू दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक्स विद देयर रिस्पेक्टिव सोर्स करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक्स इसमें आइडेंटिफाई करना है तो so, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो एक्टिनोमाइसिटिस से ऑप्टेन होते हैं पेनिसिलिन बैक्टीरिया से नहीं होता है ना ही पोलीमोक्सिन पोलीमिक्सिन uh, जो है फंगाई से ना ही मैक्रोलाइड बैक्टीरिया से तो so, इसमें करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद दियर रिस्पेक्टिव सोर्सेज अमाइनोग्लाइकोसाइड दैट इज फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटिस नेक्स्ट क्वेश्चन है विद स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस्पिरिन एस्पिरिन के लिए ट्रू स्टेटमेंट इसमें से कौन सी नहीं है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है सो so फर्स्ट है इट रिवर्सिवली एक्टिवेट साइक्लॉक्सीजन एंजाइम सो रिवर्सिवली ये इनएक्टिवेट in नहीं करता है सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बाकी ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है एंड जब इसको वॉरफ्रिन के साथ दिया जाता है तो so ये हजारडस इंक्रीज कर देता है इन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय एस्टरेज इल्डिंग सेलिसाइलेट एस्टरेज से ये हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड सेलिसाइलेट प्रोडक्ट देता है तो so, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी आ गई ऑप्शन ए सो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एगोनिस्ट एंटागोनिस्पियर इनकरेक्ट एगोनिस्ट एंटागोनिस्पियर आइडेंटिफाई करना है सो नॉन एडनिन एंड प्रॉपर एनोल प्रो पेनेलोल सो ये आपके एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हैं एक दूसरे के देन इथाइल एस्ट्राडाइल एंड डेनाजोल दिस दिस इज द इनकरेक्ट पेयर देन हिस्टामाइन एंड मी पायरामिन दिस इज आल्सो करेक्ट इन मॉर्फिन एंड नैलोग दिस इज आल्सो करेक्ट इसमें इनकरेक्ट आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसोडाइलेटर इज यूज टू ट्रीट वालस कौन सा बेसोडाइलेटर जो है वो वॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है So, ये आपका रहता है मिनॉक्सीडिल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फेज वन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फेज वन रिएक्शंस आर कैटाबॉलिक फेज वन रिएक्शंस आपके कैटाबॉलिक होते हैं नेक्स्ट है फेज वन रिएक्शंस यूजली रिजल्ट इन इंक्रीज लिपिड सोलिबिलिटी फे इंक्रीज रिपी रिपिड सॉलिबिलिटी नहीं होती है इससे देन स्टेटमेंट थ्री है फेज़ वन रिएक्शंस इंट्रोड्यूस अ रिलेटिवली रिएक्टिव ग्रुप इनटू द ड्रग मॉलिक्यूल सो इट इज़ करेक्ट देन फोर्थ स्टेटमेंट है फेज़ वन रिएक्शंस इंक्रीज रीनल एलिमिनेशन फेज़ वन रिएक्शंस जो हैं वो रीनल एलिमिनेशन को इनक्रीज करते हैं सो so इसमें वन थ्री एंड फोर ये तीन स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं दैट मीनस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्ट इसमें इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है सो so फर्स्ट है पैरासीटामोल हिपैटोटॉक्सिक पैरासिटामोल जो है वो हिपैटोटॉक्सिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन कार्डियोटॉक्सिक नहीं होती है सिस्प्लेटिन आपकी नेफ्रोटॉक्सिक होती है साइक्लोफोसफोमाइड माइलोटॉक्सिक होती है तो so, इसमें इनकरेक्ट पेयर जो है वो रहेगा स्टेप्टोमाइसिन कार्डियोटॉक्सिक नहीं होती है दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोफोस्फोमाइड प्रोड्यूसिस हेमरेजिक सिस्टाइटिस दिस एडवर्स इफेक्ट अकर्स ड्यू टू सो साइक्लोफोस्फोमाइट जो है वो हेमरेजिक सिस्टिस सिस्टाइटिस जो है वो कॉज करता है एंड ये एडवर्स इफेक्ट जो है वो किस वजह से होता है सो दिस एडवर्स इफेक्ट इज ड्यू टू न एक्रोलेन की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सा है सो इट इज सिफेपाइन सिफेपाइन इज द फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियल बोन्स आर डैश इन नंबर फेशियल बोन्स आपकी कितनी होती हैं सो दीज आर फोर्टीन इन नंबर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है स्केलेटल so मसल्स जो हैं वो आपकी स्ट्राइटेड होती हैं इन वोलेंट्री नेचर नहीं होती हैं मल्टी न्यूक्लेटेड होती हैं एंड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल रहती हैं तो so, इसमें नॉट ट्रू वाली जो स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व आपकी रहती है ट्रिगेमिनल नर्व ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉल्स रिगार्डिंग कार्डिक आउटपुट कार्डिक आउटपुट के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है सो कार्डिक आउटपुट जो है वो हम स्ट्रॉक वॉल्यूम एंड हर्ट रेट से डिटरमाइन कर सकते हैं सो इट इज़ ट्रू देन एन इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट डिक्रीज ब्लड प्रेशर सो कार्डिक आउटपुट बढ़ने से ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज नहीं होता है जो कार्डिय आउटपुट है वो आपका डिक्रीज़ होता है विद डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट So, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है देन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज इज विद इंक्रीज पैरासिंपेथेटिक एक्टिविटी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने से कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई आपकी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज पॉपलीटियल आर्टरी लोकेटेड पॉपलीटियल आर्टरी कहाँ पे लोकेटेड रहती है सो इट इज बिहाइंड द नी नी के पीछे आपकी पोपलियल पोपलीटियल आर्टरी जो है वो लोकेटेड रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर इसमें इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है सो so फर्स्ट है स्टेप्स स्टेप्स आपकी ईयर में होती है ह्यूमरस अपर आर्म में होती है टीबीआई लोअर लेग में होती है मेटाकार्पल बोन जो है वो आपकी पाव में फुट में नहीं होती है तो so ये वाला इनकरेक्ट पेयर रहेगा आपका सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन इज नॉन एज इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन क्या होता है इट इज इनकॉन्टीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बर्वी फॉर्म अपेंडिक्स बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है it is fine tube which leads from the cecum so ye wali statement jo hai wo correct hai ki ye ek fine tube hoti hai jo ki cecums ko lead karti hai then it has digestive function theek hai iska digestive function jo hai wo nahi hota hai Large intestine में ये आपकी present होती है So it has no digestive function. इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स वेन इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड जब ये इन्फ्लेम हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज होती हैं एंड इट इज़ क्लोज एट वन एंड एक एंड से ये क्लोज होती है तो so, ये डिफरेंट स्टेटमेंट जो हैं वो इसमें करेक्ट हैं एक्सेप्ट स्टेटमेंट टू लेकिन इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई हैं तो ऑप्शन डी वन थ्री एंड फोर स्टेटमेंट इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज तो जो अमाउंट ईयर का पास होता है लंग्स के इन साइड एंड आउटसाइड हर एक ब्रीथिंग साइकिल में उस अमाउंट ऑफ ईयर को क्या कहा जाता है सो इट इज़ नोन एज टाइटल वॉल्यूम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसोप्रेसन इज करेक्ट बेसोप्रेसिन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है सो इट इज़ सिक्रिएटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी नो इट इज़ नॉट सिक्रिएटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी इट इंक्रीज द यूरिन आउटपुट सो ये यूरिन आउटपुट को भी इंक्रीज नहीं करता है देन हाइपोसिक्रीशन ऑफ बेसोप्रेसिन कोज डायबिटीज इंसिपिडस अगर हाइपोसिक्रीशन होगी बेसोप्रेसिन की तो इट विल कोज द डायबिटीज इंसिपिडस सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इट डिक्रीजेज री ऑफ वाटर वाई किडनीज तो ये वाली स्टेटमेंट भी इसमें इनकरेक्ट है तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देर आर थ्री कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम ट्वेंटी वन सो ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है जिसमें क्रोमोजोम ट्वेंटी फोर की थ्री कॉपीज रहती हैं सो so, ये आपका रहता है डाउन सिंड्रोम ऑप्शन

अटैचमेंट रहती है सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद सो पोस्टोलॉजी किसके साथ डील करती है सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डोजेज सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट ओमनी नाकटे इन इंग्लिश ओमनी का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में ओमनी नॉकटे मीन्स

नेक्स्ट है हाउ मेनी फ्लूड आउंस आर इन अ पिंट एक पिंट में कितने फ्लूड आउंस जो हैं वो होते हैं तो वन पिंट इज इक्वल टू ट्वेंटी फ्लूड आउंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंडक्टिविटी टेस्ट इफ़ बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ इमल्शन तो अगर कंडक्टिव टेस्ट में बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे तो किस टाइप की वो इमल्शन रहेगी सो दैट इमल्शन विल भी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वस बेसिस एक्वस बेसिस का एग्जाम्पल कौन सा है तो द एग्जाम्पल ऑफ एक्वस बेसिस इज ग्लिस बेस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इट इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूकफील्ड बिस्कोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सो ब्रूकफील्ड बिस्कोमीटर जो है वो आपका रोटेटिंग स्पिंडल का एग्जाम्पल है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटिंग स्पिंडल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अमार्फस फॉर्म ऑफ ड्रग डिजॉल्व्ड इन वाटर देन एज द क्रिस्टलाइन फॉर्म सो अमार्फस फॉर्म जो ड्रग की होती है वो डिजॉल्व होती है फास्ट वो फास्टर डिजोल्व होती है वाटर में एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेगा वाटर एग्जिबिट्स सो so, ट्रेगा इन वाटर ये किस टाइप का फ्लो एग्जिबिट करेगा सो इट विज एविल एग्जिबिट सीडो प्लास्टिक फ्लो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक बिस्कॉसिटी इज काइनेमैटिक विस्कोसिटी की यूनिट्स होती हैं आपकी स्टॉक्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्टॉक्स या फिर सेंटी स्टॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिलीन एग्जिबिट्स डैश एट रूम टेम्परेचर जो बेसिलिन है वो किस टाइप का फ्लो एग्जिबिट करेगी रूम टेम्परेचर पे सो इट विल एग्जिबिट प्लास्टिक फ्लो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड विल सो टेम्परेचर बढ़ने से जो सरफेस टेंशन रहेगी लिक्विड की वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर सोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर सोल्यूशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है सल्फर सोल सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लायोफॉबिकलोइड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाएफॉबिकलोइड सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोडायलिसिस इज अ मेथड यूज्ड फॉर सो इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड किसके लिए यूज होता है तो इट इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन के लिए ये मेथड यूज होता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है केक फॉर्मेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सो किस टाइप की सस्पेंशन uh, का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है आपका केक फॉर्मेशन तो ये आपका रहता है डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन अकस ड्यू टू एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो है वो किस एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से होते हैं सो इट इज ड्यू टू आई जी ई इम्यूनोग्लोबुल सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑफ बी कोलोइड्स कैन बी डिस्क्राइब बाई तो लाइफॉबिक कलोइड्स की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब de डिस्क्राइब किया जा सकता है डेल्वो थ्योरी से डी थ्योरी सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिसला जोस्टर इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सो बेरिस जोस्टर किसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सो इट इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर हर्ब्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलकम पाउडर इज कॉमनली स्टर्इज बाय तो टेलकम पाउडर को किससे स्टरलाइज किया जा सकता है सो इट कैन बी स्टरलाइज बाय ड्राई हीट सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर मोइस हीट स्टरलाइजेशन इज मोइ हीट स्टरलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है सो मोइस्ट हीट के लिए आपका रहता है बेसिलस टीरियोथर्मोफाइलिस ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट दिलिटी ऑफ डेपेरिया डेपथेरिया के लिए एक ऑनसर टेस्ट रहता है so ये आपका होता है शिक टेस्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट है टेम्परेचर यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन वैक्सीन की स्टर्लाइजेशन के लिए टेम्परेचर क्या यूज किया जाता है तो so वैक्सीन की स्टर्लाइजेशन के लिए फिफ्टी थ्री टू सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो प्रेफर्ड रहता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज पेंटामर इनमें से कौन सी एंटी anti, एंटीबॉडी जो है वो एक पेंटामर है सो दिस इज आई जी एम आई जी एम एंटीबॉडी इज अ पेंटामर सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम हैज टेकोइक एसिड एज द मेन सर्फेस एंटीजन टेकोइक एसिड किस बैक्टीरिया का या किस वायरस फंगाई किस का सरफेस एंटीजन होता है मेन सर्फेस एंटीजन होता है तो so, ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेन सर्फेस एंटीजन होता है कौन टिकोइक एसिड डिफ्रेंस में भी अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच में पूछा जाएगा तो उसमें भी आपको ये वन ऑफ द रीजन मिलेगा टेकोइक एसिड की प्रेसेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव बी इज हेपेटाइटिस बी का काजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है so, ये है आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर हेपेटाइटिस बी इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज नोन एज सो वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर होस्ट डीएनए का एक सेल से दूसरे में क्या कहलाता है सो इट इज़ नॉन एज ट्रांसडक्शन इट इज़ नॉन एज ट्रांसडक्शन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर तो जो मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया है कंजुगेशन uh, पे भी आया है ट्रांसक्रिप्शन पे भी आया है सारी डेफिनेशन आप देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कूम्स टेस्ट कूम्स टेस्ट के साथ कौन सा डिजीज जो है वो असोशिएटेड है सो so, ये आपका रहता है एंटीग्लोबुलिन एंटीग्लोबुलिन इज असोशिएटेड विथ कोम्स टेस्ट सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एक्सेप्ट एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो यूज नहीं किया जाता है सो so, ये आपका रहता है कोगुलस टेस्ट कोगुलस टेस्ट इज नॉट

बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग एक्ट वाई इनिबिटिंग सेल वॉल सिंथिस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो सेल वॉल सिंथिस को इनहिबिट करता है सो द ड्रग इज सेफुर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डी आर एल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बी डी आर एल टेस्ट किस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इट इज यूज टू डिटेक्ट सिफिल्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट फ्लो इज अचीव बाय मिक्सिंग हीट फ्लो इज अचीव बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विद कूलर पोर्शन ऑफ द सेम मटीरियल द प्रोसेस इज नोन एज तो हीट फ्लो को अचीव कर सकते हैं हम वार्मर पोर्शन को मिक्स करके कूलर पोर्शन के साथ सेम मटीरियल के एंड इस प्रोसेस को इस हीट फ्लो के प्रोसेस को क्या कहा जाता है so it is known as convention it is known as convention so option C is the right answer next question hai which of the following crystallizer uses evaporation technique to achieve super saturation इनमें से कौन सा crystallizer jo hai wo evaporation technique को use करता है super saturation को achieve करने के लिए so ये questions जो मैंने subject wise आपको solve करवाए हैं उसमें भी ये वाला मैंने question पूछा था तो so, ये आपका क्रिस्टलाइजर है सर्कुलेशन मैग्मा क्रिस्टलाइजर सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलसिकेशन इज द टर्म यूज फॉर सो जेलसिकेशन टर्म किसके लिए यूज होती है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या रहती है तो हीट ट्रांसफर के लिए आएगी आपकी वाट वॉट जो है वो आपकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए यूनिट रहती है सो ऑप्शन डी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिकल मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म इसमें से कौन सा नहीं है सो दिस इज इल्यूट्रिएशन एल्यूट्रिएशन इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर एड इनमें से फिल्टर एड कौन सा नहीं है सो इट इज जेलेटिन जेलेटिन इज नॉट अ फिल्टर एड सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रिटी टेस्ट इज इंटेंडेड फॉर द फॉलोइंग फ़िल्टर्स। इंटीग्रिटी टेस्ट किस टाइप के फिल्टर्स के लिए इंटेंड किया जाता है सो इट इज फॉर मेम्ब्रेन फिल्टर्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेसन डिस्क्राइबिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ सो कौन सी इक्वेशन जो है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को डिस्क्राइब करती है सो दिस इक्वेशन इज डारक्वेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमर मिल वर्क्स बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सो हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट

दूसरी लेयर के फ्लूड पार्टिकल के साथ मिक्स नहीं होते हैं तो so, ऐसे फ्लूड फ्लो को क्या कहा जाता है इट इज नॉन एज लेमिनार फ्लो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स वोलेटाइल ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक कौन सी है सो इट इज स्टीम डिस्टिलेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडली द ड्राइंग शुड बी डन टू अ लेवल ऑफ सो ड्राइंग किस लेवल तक जो है वो करनी चाहिए सो इट शुड बी डन टू अ लेवल ऑफ इक्लिवरियम मॉइस्चर कंटेंट विच इज ऑल्सो एब्रीवेटेड एज ई एम सी सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल शेल इज बिटवीन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है कैप्सूल शेल का वो कितना हो सकता है सो इट कैन बी अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट जो है वो परमिटेड रहता है सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फिल पाउडर्ड ड्राई सॉलिड इन टू सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स सो किस मशीन का यूज जो है वो किया जाता है पाउडर ड्राई सॉलिड को फिल करने के लिए इनटू सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में तो so, ये आपका रहता है एक्ोजेल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पेरेंट्रल प्रिपरेशन पायरोजन टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी तो किस पेरेंट्रल प्रिपरेशन में पायरोजन टेस्ट जो है वो कंपल्सरी नहीं होता है सो so, ये आपका रहता है ऑपथेलमिक

सस्पेंशन में यूजली जो सॉलिड कंटेंट रहता है वो जीरो पॉइंट पाँच से पाँच परसेंट तक रहता है बट कुछ एंटीबायोटिक प्रपरेशन में इसकी कंसनट्रेशन हाई हो सकती है एंड कितनी हाई जा सकती है सो इट कैन बी अराउंड थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट तक एंटीबायोटिकपरेशंस में सॉलिड कंटेंट जो है वो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ड्रग रेगुलेशन ड्रग रेगुलेशन की इंटरनेशनल अथॉरिटी कौन सी है सी डी एस ओ ई एम ए डब्ल्यू एच ओर नन ऑफ द अब सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सेल्स आर सेलेक्टेड इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में जो हाइब्रिड सेल्स हैं उनको हैट मीडिया में सेलेक्ट किया जाता है हाइब्रिड सेल्स आर सेलेक्टेड इन हैट मीडियम सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स इज़ यूज टू डिटेक्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन्स प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिट्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम सो कॉस्मिट्स किससे ऑप्टेन किए जाते हैं सो दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज प्रोटेक्टेड बाई बी सी जी वैक्सीन सो बी सी जी वैक्सीन किस पर्टिकुलर uh, डिजीज के लिए दी जाती है सो इट इज फॉर ट्यूवरकलॉसिस माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूवरकलो और माइक्रोबैक्टीरियम बोविडे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एनजाइम्स आर मेनली यूज इन रिकम्बीन एन डी एन ए टेक्नोलॉजी सो किस टाइप के रेस्ट्रिक्शन एनजाइम्स जो हैं वो रिकम्बीन एन डी एन ए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं सो दीज आर टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एनजाइम ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिट इज़ ऑप्टेन फ्राम सो प्लाज्मिट किस से ऑप्टेन किया जाता है सो इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आर एबसेंट इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आपकी बैक्टीरिया में अबसेंट होती हैं सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन पी सी आर इज कॉल्ड पी सी आर पॉलीमर चेन रिएक्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है सो द फर्स्ट स्टेप इन पी सी आर इज डी नेचुरेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग सो इंसुलिन की प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है वो यूज किया जाता है सो इट इज इस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांसजीन इन टारगेट इश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन टारगेट टिश्यू में कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है सो इट इज आइडेंटिफाइड अ रिपोर्टर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबीन इज अ डैश टाइप ऑफ वैक्सीन सेबीन जो है वो आपकी लाइव वैक्सीन रहती है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एजेंट यूज टू क्लीन द सर्फेस ऑफ टीथ एंड देयर वाई डिक्रीज द टुथ डे एंड माउथ ऑर्डर इज तो एक ऐसा एजेंट जो कि टीथ के सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है और टूथ डिके को भी डिक्रीज करता है माउथ ऑर्डर जो है उसको भी डिक्रीज करता है तो so, वो आपका एजेंट रहता है डेंटिफ्राइज़ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनियम डाइक्साइड इज कॉमनली यूज इन टिटेनियम डाइऑक्साइड आपका सनस्क्रीन क्रीम्स में यूज किया जाता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स क्रीम्स इज़ टू फॉर्म, जो है वो आपकी नॉन ग्रीसी फिल्म को फॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हेयर टॉनिकेशन में जाता है क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं सो ऑप्शन सी इट हैज़ पावरफुल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल इज यूज इन लिपस्टिक बिकॉज इट इज़ अ तो कैस्टर ऑयल जो है वो लिपस्टिक्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका गुड प्लास्टिसाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये

स्टेरिकसिड एंड ग्लिसिन दीज थ्री आर द सिंथेटिकमेक्टें लेकिन एलेंटोइन जो है वो एक सिंथेटिक ह्यूमेक्टेंट नहीं है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल डैश ऑफ द डी एन सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एंड रूल्स नाइनटीन फोर्टी फाइव डील्स विद द गाइडलाइंस ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सो जी एम पी गाइडलाइंस जो हैं वो आपकी आती हैं शेड्यूल एम में सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द फार्मेसी एक्ट 1948 फोर्टी एट इज टू तो फार्मेसी एक्ट 1948 का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करना ठीक है इज टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोट्रॉपिक सबस्टांस अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टिज एक्ट तो so, इनमें से कौन सा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सब्सटांस है जो कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर आता है सो so, ये ड्रग है आपका बारबिटल बारबिटल इज अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल के परटेन्स तो शेड्यूल के क्या रहता है सो इट इज प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग्स Exempted from certain provisions governing manufacture and sale of drug. इसमें option C जो है वो correct answer रहेगा. Next question है. Which of the following schedule covers standards for mechanical contraceptives? Mechanical contraceptives कौन सा स्टैंडर्ड कवर, कौन सा शेड्यूल कवर करता है आपका? So ये आपका करता है शेड्यूल आर. Schedule R will cover the standards for मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर दर्व्यू ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सो so, फाइव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आती है तो so, फर्स्ट है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोन है एविएशन रिसर्च सेंटर देन है डायरेक्ट्रेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड नन ऑफ दर्क सो इसमें से कोई भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं आती है सो ऑप्शन डी नन ऑफ द अव इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सेप्टेबल एथिकल प्रैक्टिस सो कोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के अकॉर्डिंगली कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है वो एथिकल प्रैक्टिस में एक्सेप्टेड रहेगी स्टेटमेंट so वन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन गिव गारंटी ऑफ थेरापेटिक एफिकेसी सो रजिस्टर्ड फार्मासिट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो वो ड्रग दे रहा है उसकी थेरोपेटिक एफिकेसी होगी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन सब्सटीट्यूट एन इन्ग्रीडियंट विदाउट कंसल्टिंग द प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्राइबर को बिना कंसल्ट किए रजिस्टर्ड फार्मासिट इन्ग्रीडियंट को सब्सिट्यूट नहीं कर सकता है दैन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन रेंडर फर्स्ट एड इन एमरजेंसी सो फर्स्ट एड एमरजेंसी में फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड कर सकता है आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सो दिस कैन बी कम्स अंडर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलप्स अ न्यू टैबलेट कोटिंग टेक्नोलॉजी वट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी यूज बाई द कंपनी टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम कोपिंग दिस टेक्नोलॉजी सो एक कंपनी uh, है एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे दो उसका तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने एक टेबलेट कोटिंग टेक्नोलॉजी एक नई टेबलेट कोटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है अब ये नई टेक्नोलॉजी जो है वो किस आईपीआर के अंडर आएगी किस टाइप के आईपीआर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आएगी सो तो रजिस्टर डिज़ाइन कॉपीराइट ट्रेडमार्क सो तो इसमें से ये किसी में भी अंडर नहीं आएगी सो तो न्यू टेक्नोलॉजी है इनोवेशन है तो ये आपका पेटेंट जो है वो आ सकता है सो ऑप्शन डी नन ऑफ द आविज करेक्ट तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो था इस पेपर का वो कैंसिल किया गया था तो इसमें टोटल 199 फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन थे तो अभी ये वाला पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है कल एक और पेपर आएगा जिसमें अगेन 200 हंड्रेड एम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 100 100 एम दो पार्ट में सो तो मिलते हैं उस वीडियो में थैंक यू वेरी मच